मनपा चुनाव के लिए नवीन विकास आघाड़ी का गठन, सेकाप, सपा और सीपीएम समेत 13 संगठन एकजुट 111 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। अप्रैल में होने वाले नवीन मनपा चुनाव को लेकर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के बीच अब तीसरा मोर्चा भी कूद पड़ा है। इसका नाम नवी मुंबई विकास आघाड़ी रखा गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए गठबंधन की जानकारी देते हुए सेकाप नेता भाई राजेंद्र कोरडे ने कहा कि नवी मुंबई विकास आघाड़ी में सेकाप, रिपब्लिकन सेना, समाजवादी पार्टी, स्वराज इंडिया, जनता दल सेकुलर, सीपीआई और सीपीआईएम समेत कुल 13 संगठन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई विकास आघाड़ी मौलिक मुद्दों को लेकर मनपा के सभी 111 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और जीत का इतिहास रचेगी। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। नवी मुंबई के अंदर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आघाड़ी है, उनके खिलाफ में जो राज्य में सत्ताधीन है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है। उसके साथ साथ इस शहर में जो झुप्पड़पट्टी में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, इस शहर के अंदर सिरकों ने बांधे हुए डिलापिडेटेड इमारतों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, फेरी वाले हैं, मोलकरीन हैं, ये सब दबे कुचले लोग जो है उनकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां, उनकी नुमाइंदगी करने वाले संगठन, और इस देश के अंदर जमहूरियत बचनी चाहिए, इस देश में धर्मनिरपेक्षता का परचम जो है वो हमेशा ऊंचा लहराना चाहिए, ऐसी विचारधारा मानने वाली जो पार्टियां हैं उन पार्टियों का एक गठबंधन हमने बनाया है और उस गठबंधन का नाम हमने नवी मुंबई विकास आघाड़ी दिया है। नवी मुंबई विकास आघाड़ी नवी मुंबई के 111 जो वार्ड है उन सभी वार्डों के अंदर आपसी तालमेल करके चुनाव लड़ने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो है हम अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे और नवी मुंबई महानगर पालिका के अंदर ये दबे कुचले गरीब बहुजन लोगों का जो आवाज़ जो है वो गूंजेगा और हमने नारा यहाँ पर दिया है कि सियासत खाली करो, जनता आ रही है। इस अवसर पर मौजूद समाजवादी पार्टी के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष सैयद अफसर इमाम ने कहा कि सपा का कार्यकर्ता बनने पर खुशी है क्योंकि जिस पार्टी में था वहां काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां आमजनों के लिए खुलकर काम करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने नवी मुंबई विकास आघाड़ी को नवी मुंबईकरों की नुमाइंदगी करने वाला गठबंधन बताया और जनता से समर्थन की उम्मीद जताई। हम धरती से जुड़े हुए आदमी है और धरती के जुड़ के ही काम करेंगे मैं, और मुझे मालूम है तो वहाँ हमको खुल के काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, यहाँ मुझे खुल के करने का काम का मौका है। हमारा नेता अबू आसिफ साहब हमारे साथ में है और रात के 2 बजे बोलते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ता है नवी मुंबई के प्रश्न को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, तो मैं आपके साथ में हूँ, आपका मुद्दा को विधानसभा में उठाऊँगा। कि सारा बात को सुनने और समझने के बाद मुझे लगा ऐसा कि हम सही जगह पर पहुंचे हुए हैं और सही वक्त पर पहुंचे हुए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा मियाँ पटेल, सुधाकर जाधव, अवधेश शुक्ला, प्राध्यापक शैलेंद्र मेहता, दत्ता बंसोड़े समेत नवी मुंबई विकास आघाड़ी घटक दलों के कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्होंने चुनाव के लिए जीत का ताल ठोका। फिलहाल अब तक हाशिए से गायब रही पार्टियों का यह तीसरा मोर्चा शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की महाविकास आघाड़ी और बीजेपी को कितना टक्कर देगा यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।